कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र कला और वाणिज्य क्लास में आपका बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपन निकाय 9 पढ़ेंगे, उसमें आय का चक्रीय प्रभाव एवं राष्ट्रीय आय आकलन की विधियां पढ़ेंगे। तो आय का प्रभाव आर्थिक स्थितियों की 3 अवस्थाओं को बताता है। तो आय का चक्रीय प्रभाव, तो आय जो होती है उसका चक्रीय प्रभाव कैसे बनता है, होता है अर्थशास्त्र में आय का प्रभाव उसकी आर्थिक क्रियाओं की 3 अवस्थाओं से संबंधित है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इस अवस्था में फर्में, जो ये अवस्था होती है इसमें फर्में हो गई, कंपनी, उसको उत्पादन के साधनों को वस्तु और सेवाओं के लिए संगठन करती है। वो इसमें वस्तुएं और जो सेवाएं होती हैं उसके लिए क्या, जो उसके उत्पादन के लिए क्या करती हैं, संगठन, मतलब कि बिना संगठन के कोई कार्य संभव नहीं है। यहाँ पर अर्थशास्त्र में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, मतलब आप कोई फर्म से ही क्या करोगे, उत्पादन के साधनों और वस्तुओं सेवाओं का। इसमें उत्पादन के मूल्य वृद्धि होती है, आप जैसा उत्पादन, जैसे जैसे उत्पादन होगा उत्पादन के कारण ही मूल्य वृद्धि होती है, जो वस्तुओं के मूल्य तथा मध्यवर्ती उपयोग का अंतर आपको बताएं। दूसरा होता है इसमें, दूसरी अवस्था है इसकी, मूल्य वृद्धि का वितरण अर्थात कारक भुगतान। जो मूल्य वृद्धि है इसका दूसरा, इसकी दूसरी अवस्था है मूल्य वृद्धि वितरण अर्थात कारक भुगतान के रूप में आय का सर्जन। ये आय कैसे बनती है, सर्जन मतलब बनाना, तो मूल्य वृद्धि, जब मूल्य वृद्धि होगी तो वितरण होगा, तो इसके कारकों, अगर आप उसका वितरण करोगे तो इससे आपको भुगतान भी मिलेगा और आय का क्या होगा, सर्जन होगा। इस अवस्था में फर्मों द्वारा कारकों के लिए, जो जो एक फर्म है उसमें सेवाओं के लिए पारिश्रमिक, ब्याज, किराया तथा लाभ का वितरण किया जाता है। अर्थात इसमें आप मान लीजिए मूल्य वृद्धि के उत्पादकों के कारण इसमें भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम को भी क्या किया जाता है, बांटा जाता है। फर्म की दृष्टि से कारक भुगतान होते हैं और परिवारों की क्या होती है, आय का सर्जन भी होता है। इसमें उत्पादक के कारक क्या क्या है, इसके उत्पादक के कारण हो गया श्रम, हो गया श्रम, पूंजी, ये सब क्या है, उत्पादक के कारक हैं, और उद्यम, ये सब इसके क्या है, उत्पादक के कारक हैं। और इसको फर्म की कोई दृष्टि में अगर देखा जाए तो इससे क्या कारक के भुगतान होते हैं, और इससे परिवार की दृष्टि में, परिवार की दृष्टि में ये क्या बनते हैं, आय के कारण बनते हैं। अगर आप किसी उद्योग को शुरू करोगे तो उसमें आप पूंजी लगाओगे, श्रम लगाओगे, उद्यम लगाओगे, तो उससे आपको क्या प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी। इसकी तीसरी अवस्था है वस्तु और सेवाओं के आय का सर्जन। तो इसकी आय के प्रभाव की तीसरी अवस्था है वस्तु और सेवाओं पर आय का व्यय। जो वस्तुएं हो और उनकी सेवाएं हो, उस पर आय पर व्यय। इस अवस्था में परिवार अपनी समस्त आय को, मतलब जो अपनी परिवार की जो अपनी आय होती है उस अपनी, इस अवस्था में परिवार की अपनी समस्त आय को अंतिम वस्तु तथा सेवाओं की खरीदी पर खर्च कर देते हैं। कब माना जाता, मतलब इसमें माना जाता है कि परिवार बचत नहीं करते एवं घरेलू आय को अंतिम व्यय में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये आय के अर्थव्यवस्था में आय के क्या है, ये आय प्रभाव के आर्थिक क्रियाओं की कितनी विशेषताएं हैं, कितनी अवस्थाएं हैं, 3। इन तीन ये 3 अवस्थाएं हो गई। इसके बाद है राष्ट्रीय आय की गणना। तो राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना 3 तरीकों से, जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो 3 तरीकों से एक रूप से देखा जा सकता है। राष्ट्रीय आय की गणना
तीन तरीके, तो जो राष्ट्रीय आय गणना है तीन तरीकों से की जाती है। इसे देखा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति की, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय को मिलाकर क्या प्राप्त होती है, राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। आयों को जोड़ जोड़ते हुए राष्ट्रीय आय के माप के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के उत्पादन को क्या करते हैं, जोड़ते हुए राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय उत्पादन के माप के रूप में तथा व्यक्ति के द्वारा खरीदी गई वस्तु के मूल्य पर उसकी बचतों का योग करते हुए राष्ट्रीय आय व्यय के रूप में, मतलब जो राष्ट्रीय आय है इसको व्यय के रूप में क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये क्या है, किसकी परिभाषा है, प्रोफेसर केन यार कॉर्स की परिभाषा है। इन्होंने राष्ट्रीय आय को उत्पादन, मतलब जो राष्ट्रीय आय के माप के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उत्पादन को जोड़ते हुए राष्ट्रीय उत्पादन के माप के रूप में व्यक्ति के द्वारा खरीदी गई वस्तु के मूल्य में और उनकी बचतों को योग करने पर राष्ट्रीय आय के रूप में इसको लेते हैं। ये है केन कॉस की परिभाषा है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उसकी आर्थिक स्थिति की महत्वपूर्ण सूचक है। जब अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय, मतलब उसके आर्थिक विकास के लिए क्या है, महत्वपूर्ण सूचक है। राष्ट्रीय आय के मापदंड में जीवन स्तर की जो तुलनात्मक विवेचना करते हैं, उसके विकास की योजनाओं में, प्रगति में का मूल्यांकन, सरकार के कर, आय का वितरण, विकेंद्रीकरण, आर्थिक नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार संबंधी जितनी भी नीतियां हैं वह क्या क्या है, भावी योजनाओं के लिए यहाँ पर सहायता मिलती है। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में कार्यों का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए एक निश्चित अवधि में क्या होता है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य क्या होते हैं, अत्यंत आवश्यक होते हैं। राष्ट्रीय आय को हम उत्पादित, जो राष्ट्रीय आय होती है उसके लिए आपको अभी मैंने बताया कि इसमें तुलनात्मक विवेचनाओं के लिए आपको विकास योजनाएं जो होती हैं वो क्या है, प्रगति सूचक होती हैं। उसमें सरकार के कर, आय, विकेंद्रीकरण, आर्थिक नियोजन और वास्तविक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार संबंधी इनमें क्या होती हैं, नीतियाँ होती हैं जो भावी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्या होती हैं, आवश्यक, मतलब इससे सहायता मिलती है। तो राष्ट्रीय आय में हम उत्पादित की गई वस्तु है, राष्ट्रीय आय में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के प्रभाव अथवा आय का प्रभाव अथवा वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय में से देख सकते हैं। मतलब किसी वस्तु के लिए उत्पादित की गई उसकी सेवाएं, वस्तु और उसकी सेवाओं के प्रभाव से जो अपन को आय प्राप्त हुई, वस्तु और सेवाओं पर किए गए व्यय से अपन देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय के तीन तरीकों में से एक रूप देखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय को क्या करता है, जोड़ते हुए राष्ट्रीय आय के माप के रूप में प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन को क्या करता है, जोड़ता है। फिर राष्ट्रीय उत्पादन के माप में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खरीदी गई वस्तु और उसकी बचतों को जोड़कर क्या करता है, राष्ट्रीय आय के रूप में उसको व्यक्त कर सकता, व्यक्त आय व्यक्त मतलब राष्ट्रीय आय के रूप में उसको देखता है और लेता है। इसके बाद है राष्ट्रीय आय की गणना विधि। तो राष्ट्रीय आय को की गणना विधि कौन कौन सी है, तो राष्ट्रीय आय की गणना विधि कितनी है, तीन है। तो पहला है उत्पादन विधि। राष्ट्रीय आय की कितनी गणना विधि कितनी है बच्चों, तो राष्ट्रीय आय की गणना विधि तीन है। पहला है उत्पादन विधि, दूसरा है आय विधि और तीसरा है व्यय विधि। तो उत्पादन विधि को भी दो भागों में क्या करा है, दो भागों में मापा जाता है। सबसे पहले अपन लेंगे उत्पादन विधि। तो उत्पादन विधि को भी कितने भागों में, दो तरह से मापा जा सकता है। उसमें पहला है अंतिम उत्पाद विधि और दूसरा है मूल्य वृद्धि नीति। तो उत्पादन विधि सबसे पहले आय की गणना के लिए सबसे पहले क्या है, कौन सी विधि है, उत्पादन विधि। तो उत्पादन विधि के भी दो वो है, दो विधि से मापा जाता है। पहला
पहला है अंतिम उत्पादन और दूसरा है उत्पादन विधि में अंतिम उत्पाद विधि। इसके लिए उनको अंतिम उत्पाद विधि के लिए अंतिम उत्पाद विधि, अंतिम उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग करके की जाती है। मतलब जो अंतिम उत्पादन विधि है अपनी, उसमें अंतिम उत्पाद विधि के अंतर्गत अपन उसमें राष्ट्रीय आय की गणना, अंतिम वस्तुओं सेवाओं की गणना और मौद्रिक मूल्यों का योग करके की जाती है। तो मौद्रिक मूल बाजार कीमत के आधार पर, जो मौद्रिक मूल होते हैं वह काय पर आधारित होते हैं, बाजार मूल्य के कीमतों पर आधारित होते हैं। तो इसकी गणना करने के लिए विधि के अनुसार बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जो सकल घरेलू उत्पाद है उससे मूल्य प्राप्त किया जाता है। इसमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन कैसे ज्ञात करेंगे? तो कीमत प्लस सेवाएं, वस्तुएं प्लस सेवाएं, तो इसका GPDM, मतलब GPD मतलब बाजार कीमत और सकल घरेलू, और उसको P को दर्शाएंगे कीमत पर और G को वस्तुओं की मात्रा पर और सेवाएं हो गई S। तो इसका फार्मूला है ये कि बाजार कीमत घरेलू उत्पादन का मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको, मतलब जो अर्थव्यवस्था की तीन अवस्थाओं के लिए जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक द्वारा किए गए अंतिम उत्पाद का मूल अलग अलग, और इन तीनों को योग करके बाजार कीमत और सकल घरेलू मूल्य का क्या करते हैं, अनुमान लगाया जाता है। तो बाजार कीमत का सकल घरेलू उत्पादन, तो अंतिम उत्पाद विधि को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है कि बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन, उसकी कीमत और वस्तु, तो इसके इससे जोड़कर आप कीमत और वस्तु की सेवाओं को जोड़कर आप बाजार कीमत और सकल घरेलू उत्पादन का क्या कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन के मूल्य में घिसावट, व्यय, जो घिसावट है मतलब आप कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हो तो उसके मूल्य में घिसावट, कम या ज़्यादा, घटने या बढ़ने पर किस कीमत का, मतलब जो वस्तु का मूल्य है उसे क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु पर सकल शुद्ध घरेलू उत्पादन और अप्रत्यक्ष कर और लाभ हानि, मतलब जो उसका साधन लागत है, शुद्ध घरेलू उत्पादन क्या कर सकते हैं, उसका शुद्ध घरेलू उत्पादन से उसका क्या प्राप्त होगा, मूल प्राप्त होगा। और साधन घरेलू उत्पादन में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय तथा आय जोड़कर राष्ट्रीय आय की क्या की जाती है, गणना, मतलब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। फिर है दोहरी गणना प्रणाली। दोहरी गणना की समस्या, इस विधि के अनुसार जो दोहरी गणना की समस्या है, इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। दोहरी गणना से तात्पर्य है किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक से अधिक बार किए जाने पर आशंका होता है कि राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़ा जाता है। तब आपको इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसमें दोहरी गणना से तात्पर्य है किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक से अधिक बार किए जाने की आशंका होने पर राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को अपन मतलब उसमें जोड़ते हैं, उससे कई प्रकार की वस्तुओं का पहचान करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक उद्यम उत्पादित वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए क्या होता है, अंतिम होती है। उदाहरण आपको दे रहे हैं बच्चों, इसमें
एक किसान के पास, मतलब एक किसान है उसके पास 500 रुपए की क्या है, कपास है। उसने तो दोहरी गणना की एक समस्या, उसके लिए एक उदाहरण है कि एक किसान है उसने 500 रुपए में क्या किया, 500 रुपए में कपास का उत्पादन किया और उसने उस कपास को एक धागा मिल वाले को बेच दिया, तो 500 रुपए की कपास उसके लिए क्या हो गई, अंतिम बिक्री हो गई, क्योंकि किसान ने उत्पादन किया और धागे मिल वाले को बेच दिया तो वह उसके लिए क्या हो गया, किसान के लिए अंतिम बिक्री हो गई। इस प्रकार 500 रुपए की कपास को धागे वाले ने परिवर्तित करके उसको 900 रुपए तो धागे में परिवर्तित किया, उस कपास को उस धागे वाले ने धागे में परिवर्तित किया और फिर उसको उसने 900 रुपए में बेच दिया, तो 900 रुपए के मूल्य धागे की बिक्री की क्या कहलाएंगे, वो अंतिम बिक्री कहलाएगी, किसके लिए, धागे वाले के लिए। इसी प्रकार धागा मिल वाले ने उसे 900 रुपए के उत्पादन को कपड़े मिल वाले को बेच दिया, कपड़े मिल वाले ने 1300 रुपए में कपड़े का उत्पादन किया, मतलब उसको उसने कपास वाले ने 500 रुपए में कपास को बेचा, धागे मिल वाले ने उसको खरीद कर उसका धागा बनाकर उसको 900 रुपए में किसको बेच दिया, कपड़े मिल वाले को बेच दिया, तो कपड़े मिल वाले ने उसको कपड़ा बनाकर उसको 1300 रुपए में उत्पादन, मतलब उस कपड़े का उत्पादन करता है वह कितने रुपए में, 1300 रुपए में, और उसको वह उसके लिए अंतिम उपभोग के लिए बेच देता है। यदि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की जब गणना करते समय कपास, धागा और कपड़ा तीनों वस्तुओं का मूल्य, जो तीनों वस्तुओं का मूल्य जोड़ते हैं तो कपास का मूल्य 3 बार, धागे का मूल्य 2 बार जोड़ता है, अर्थात दोहरी गणना की इससे राष्ट्रीय आय में अनुमान लगाने के लिए क्या होती है, आवश्यक अनावश्यक वृद्धि हो जाती है। तो आप बताओ वो धागा 500 रुपये, 900 रुपये, फिर 1300 रुपये, तो ये इनसे इससे राष्ट्रीय आय के लिए क्या हो गई है, दोहरी गणना के लिए क्या होगा, ये 3 बार, मतलब जो धागा, जो कपास का मूल्य कितने बार निर्धारित हुआ, 3 बार, तो धागे का मूल्य 2 बार, और स्पष्ट होता है कि जो राष्ट्रीय आय की गणना में अनुमान लगाने के लिए क्या है, कि दोहरी गणना जो है वह अनावश्यक वृद्धि हो जाती। फिर दोहरी गणना से बचने के लिए भी क्या है, 2 उपाय हैं। तो पहला है केवल अंतिम वस्तुओं का मूल जोड़कर आप दोहरी गणना निकाल सकते हो, और दूसरा है मूल्य वृद्धि विधि। तो दोहरी गणना की मतलब जो समस्या से बचने के 2 उपाय, पहला है केवल अंतिम वस्तुओं का मूल जोड़कर और दूसरा है मूल्य वृद्धि विधि। तो मूल्य वृद्धि विधि क्या होती है, अंतिम वस्तुओं का मूल्यांकन जोड़कर, मतलब जो उसकी मूल्य वृद्धि की विधि है इसके अंतर्गत प्रत्येक उद्यम द्वारा जो उद्योग लगाते हैं, तो प्रत्येक उद्यम जो होते हैं उसमें मूल्य वृद्धि को जोड़कर मूल बुद्धि से आशय अथवा प्रत्येक अवस्था में उद्यम द्वारा वस्तु के मूल्य में की जाने वाली वृद्धि मूल्य वृद्धि विधि के अंतर्गत लेखा 1 वर्ष, 1 देश और घरेलू सीमाओं के प्रत्येक उद्यम द्वारा मूल्य दृष्टि से क्या कहेंगे, इस आधार पर घरेलू उत्पादन की क्या की जाएगी, गणना की जाएगी। तो प्रत्येक उद्यम द्वारा मूल्य वृद्धि को जोड़ा जाता है, आप कोई भी वस्तु का जो मूल्य है उसमें मूल्य वृद्धि को जोड़कर मूल्य वृद्धि के से आशय उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में उद्यम द्वारा वस्तु में मूल्यों में की जाने वाली वृद्धि मूल्य वृद्धि विधि के अंतर्गत 1 लेखा वर्ष में, मतलब एक लेखा वर्ष में 1 देश की घरेलू सीमा प्रत्येक उद्यम द्वारा मूल्य वृद्धि के आधार पर घरेलू उत्पाद जो घरेलू उत्पादन है उसकी क्या की जाती है, गणना की जाती है। दूसरा है मूल्य वृद्धि का, तो मूल्य वृद्धि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 कदम उठाए जाते हैं, मूल्य वृद्धि नियम जो है दूसरा
उसके लिए मतलब जो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए तीन विधि होती है, उसमें तीन विधियों में होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन में प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र में, इसमें वस्तुओं के उत्पादन में, वस्तुओं के उत्पादन में प्राकृतिक प्राकृतिक होती हैं, प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। उसके अंतर्गत आएंगे आप, जैसे कि जो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, इसमें इन वस्तु में इसमें आएगा कृषि संबंधी सभी क्रियाएं, जैसे पशुपालन, मछली पालन, वन लगाना, खनन, उत्खनन आदि। इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक, उसमें आया प्राकृतिक के अंतर्गत प्राकृतिक में आएंगे पशुपालन, कृषि, तो ये सब काय में आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। द्वितीय क्षेत्र में आएंगे वह कच्चे, जो क्षेत्र में कच्चे माल से निर्मित माल को उत्पादन, मतलब जो कच्चा माल होता है उससे निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है, वह द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जैसे सूती धागे, कपड़ा, चीनी से, गन्ने से चीनी, द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल से निर्मित, जो कच्चे माल से आप निर्मित करते हो, कच्चे माल से निर्मित ये द्वितीय क्षेत्र में आपका आएगा। उसमें आपका गन्ने से क्या बनेगा, गन्ने से चीनी, धागे से कपड़ा, ये आपके सब्द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में, जो तृतीय क्षेत्र में यह क्षेत्र सेवाओं और उत्पादन का उत्पादन करता है, जो तृतीय क्षेत्र है वह काय के लिए है, सेवा और, सेवा और उत्पादन। सेवाओं और उत्पादन करता है तृतीय क्षेत्र कहलाता है। ऐसा क्षेत्र इसमें, इसमें सेवाएं, जो सेवा क्षेत्र कहा जाता है, इसमें क्या क्या आएगा, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार और व्यापार आदि क्रियाएं होती हैं। तो जो सेवाओं और उत्पादन होती है, इसमें आएगा आपका बैंकिंग, बैंकिंग आ जाएगा, परिवहन, परिवहन, संचार, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपने आज राष्ट्रीय आय की गणना विधि पढ़ी। राष्ट्रीय आय की गणना विधि के कितनी प्रमुख विधियां हैं, तीन प्रमुख विधियां हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो अपन ने उत्पादन विधि के अंतर्गत भी दो विधियों के माप, उसको दो विधियों से मापा जाता है। तो पहला है अंतिम उत्पाद विधि और दूसरा है मूल्य वृद्धि विधि। तो आज उत्पादन विधि पढ़ी अपन ने, उसके बाद दोहरी गणना के लिए, मतलब जो उत्पादन विधि है उसमें दोहरी गणना की क्या समस्या है उसको पढ़ा। दोहरी गणना को समस्या करने के दो उपाय हैं, पहला है मूल्य वृद्धि और दूसरा है, पहला है अंतिम वस्तुओं का मूल्य को जोड़कर और दूसरा है मूल्य वृद्धि। फिर मूल्य वृद्धि के को पहचान, मतलब जो मूल्य वृद्धि है उसके उत्पादकों की पहचान के उनके तीन वर्गीकरण। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। तो
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर वस्तुओं के उत्पादन जो होते हैं वो प्राकृतिक साधनों के माध्यम से होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में जो होते हैं वह कच्चे माल से निर्मित, जैसे गन्ने से चीनी, धागा से कपड़ा।